बड़ी कंपनीज के पास तो मसल्स होते हैं, बट जो छोटी कंपनीज हैं उनके पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं. फर्नीचर मार्केट का साइज़ देखें तो दैट इज़ अराउंड $600 बिलियन. पाकिस्तान का जो फर्नीचर सेक्टर का जो साइज़ है दैट इज़ $3 बिलियन. आज भी 10,000 छोटी वर्कशॉप्स काम कर रहे हैं. पाकिस्तान की क्राफ्टमैनशिप इज़ वेरी एक्सेलेंट. वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग द रॉ मटेरियल्स फॉर द फर्नीचर. वुड बी अ मोस्टली इज इम्पोर्टेड. वी आर नॉट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड. हम एक्सपोर्ट्स की तरफ जाएंगे. हम जो है वो सीजन वुड यूज़ करते हैं, जिसको कि यू नो कोई वो टेढ़ी नहीं हो सकती, कीड़ा नहीं लग सकता. हमारी लेबर हमें कह रही होती है कि ये जो आप यूज़ करें ये तो कोई भी नहीं यूज़ करता. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद. नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो सीईओ हैं लाइफस्टाइल ग्रुप के, और इनके साथ इनकी मिसेज हैं जो डायरेक्टर हैं लाइफस्टाइल ग्रुप की. लाइफस्टाइल ग्रुप एक फर्नीचर का ब्रांड है जो पाकिस्तान में लीडिंग पोजिशन पर काम कर रहा है. हम इनसे जानेंगे कि फर्नीचर की क्वालिटी, मेंटेनेंस, और इस लाइफस्टाइल ग्रुप के अंडर और कौन कौन से ब्रांड काम कर रहे हैं, ये सारी बातें हम इनसे जानेंगे. और ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके इस ब्रांड को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह से इसमें काम कर रहे हैं, और कितना आसान होता है एक हस्बैंड और वाइफ के लिए एक ही जगह पे काम करना और उस काम को देखना, और इससे क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं और क्या क्या अचीवमेंट्स वो इजीली हासिल कर सकते हैं, ये सब बातें हम इनसे जानेंगे. और ख़ास तौर पे लाइफस्टाइल ग्रुप और इसके अंडर जो कंपनीज़ आती हैं और फर्नीचर की इंडस्ट्री की इस वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन पे भी खास बात करेंगे. आइए इनसे मुलाकात करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया फैसल मोहसिन साहब आपकी तशरीफ आवरी का. सर, आप सीईओ हैं लाइफस्टाइल ग्रुप के, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फर्नीचर ब्रांड है. मुझे ये बताइएगा कि आपने बिज़नेस का इरादा कब किया और बिज़नेस की तरफ कैसे आए? बहुत शुक्रिया अली साहब हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए. वी आर प्लेयर्ड टू बी हेयर विद यू. लाइफस्टाइल ग्रुप एक्चुअली वी स्टार्टेड इन 2017. फर्नीचर में आने से पहले हमने एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया था फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए, जिस पे हम फर्नीचर एक्सपोज कर रहे थे. वी स्टार्टेड दिस एक्सपोज इन 2013, बट द प्लेटफॉर्म वॉज डिफरेंट. वहाँ ये आइडिया एक्चुअली जनरेटेड कहीं किसी और प्लेटफॉर्म से हुआ था. देन फर्दर वी प्लेड अ वेरी बिग रोल इन दिस. वी वर्क डे एंड नाइट एंड डेवलप दिस प्लेटफॉर्म. देन वी डिसाइडेड कि क्यों ना हम ये अपना प्लेटफॉर्म खुद से रन करें. इन 2017 इस प्लेटफॉर्म को फिर हमने पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो के नेम से हमने स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वी हैव डन 36 एक्सपोज ऑल अराउंड पाकिस्तान, जिसमें हम कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, रहीमयार खान, गुजरांवाला, इन सब सिटीज़ में वी आर डूइंग एक्सपोज. मैम, आपने कब सोचा कि आप बतौर डायरेक्टर इसी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और इसमें अपनी सर्विसेज देंगे? मैं एक्चुअली फैसल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, और जब जब लाइफस्टाइल फर्नीचर एग्जिबिशंस होती थी तो उसका मुझे बहुत एक वो चार्म फील होता था, बिकॉज इट इज़ माशाल्लाह वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म. तो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड, और मैं फैसल को अक्सर कहती थी कि मुझे इसको ज्वाइन करना है. देन आई ज्वाइंड इट, और उसमें माशाल्लाह ऑलरेडी डिवेलप्ड था और सक्सेसफुल था. एंड मैंने भी फैसल के साथ फिर डे एंड नाइट बहुत हार्डवर्क किया. और सर, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि जब आप बिज़नेस की तरफ स्विच हुए तो क्या चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े, और फर्नीचर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, फर्नीचर के बिज़नेस को आपने क्यों चूज़ किया और फिर इसमें चैलेंजेस क्या पेश आए? एक्चुअली अली, जो बिज़नेस करने का एक जो चार्म था वो मेरे अंदर सिंस आई वॉज स्टडिंग मैट्रिक और वहीं से था. माई पैशन वॉज टू बिकम अ बिजनेस मैन, और जिसने फिर मुझे हेल्प आउट किया. मैंने जॉब की 8 years 8-9 years, देन अभी भी स्टिल आई हैव एडवाइजरी रोल इन अ वेरी रेनाउंड कंपनी, उसके साथ पैरेलल अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ. और इस ग्रुप में पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो एक प्लेटफॉर्म है. देन वी हैव रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड 5 brands, फर्नीचर ब्रांड्स, जिसके लिए हमने एक फर्नीचर फैक्ट्री भी सुंदर में बनाई है. इट्स बेस्ड ऑन 1 acre ऑफ द लैंड. आर्ट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट हमने इसमें जो है वो एक फैक्ट्री डेवलप की है, जहाँ पे हम क्वालिटी फर्नीचर डेवलप कर रहे हैं. चैलेंजेस फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए इस प्लेटफॉर्म को एक्चुअली रन करना, वी हैव वर्क डे एंड नाइट फॉर दिस प्लेटफॉर्म. यहाँ पे हमने मिड साइज़ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया. बड़ी कंपनीज के पास तो मसल्स होते हैं, दे हैव मसल्स ऑफ द मार्केटिंग बजट्स टू प्रमोट द थिंग्स, बट जो छोटी कंपनीज हैं उनके पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं.
तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने आउट ऑफ द वे जाके भी लोगों को सपोर्ट किया जिनके पास पैसे नहीं थे, दे कांट अफोर्ड, उनको हमने बहुत सारे सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर उनको हमने ऑफर्स दी कि वो आए हमारे साथ इसका पार्ट बने। और अल्हम्दुलिल्लाह आज प्राउडली हम ये कह सकते हैं कि हमने बहुत सारे बिजनेसेस को सेव किया है इन पाकिस्तान। वो बिजनेसेस जो शायद फर्नीचर इंडस्ट्री से लोग क्विट कर रहे थे, उनको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा था, वो उस तरह से बिज़नेस उनका फ्लोरिश नहीं कर रहा था, बल्कि चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं। चैलेंजेस तो अभी भी हैं राइट नाउ भी। इट्स अ कॉटेज इंडस्ट्री राइट नाउ स्टिल इन पाकिस्तान। पूरी दुनिया का अगर हम फर्नीचर मार्केट का साइज़ देखें तो दैट इज़ अराउंड $600 बिलियन। और पाकिस्तान का जो फर्नीचर सेक्टर का जो साइज़ है दैट इज़ $3 बिलियन। तो अगर परसेंटेज निकालें तो इट्स 0.5% ऑफ द टोटल नंबर। सो स्टिल इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, और इसको फर्दर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं डबल ट्रिपल, और ये किया इसी तरीके से जा सकता है कि अगर हम इसको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाते हैं। इट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड, आज भी 10,000 छोटी वर्कशॉप्स काम कर रही हैं। अभी आप फर्नीचर इंडस्ट्री की अगर आप बात करेंगे तो बड़े नाम तो शायद आपको 30-40 पता चलेंगे, उसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वर्किंग लाइक अ स्मॉल वर्कशॉप्स किसी गलियों में। आपने भी कहीं ना कहीं से बनवाया होगा, उनसे किया होगा। और पाकिस्तान की क्राफ्टमैनशिप इज़ वेरी एक्सेलेंट। अब चैलेंजेस जो उसमें आ रहे हैं, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग द रॉ मटेरियल्स फॉर द फर्नीचर। वुड भी अब मोस्टली इज़ इम्पोर्टेड। चिपबोर्ड्स या लेमिनेटेड शीट्स जितनी आती हैं दोज आर इम्पोर्टेड। अभी कुछ इंडस्ट्री लगी है, ऐसा ऐसा इंशाल्लाह और बेहतर होती जाएंगी। अब डॉलर जैसे ही हमारा ऊपर जाता है, राइज करता है, और पाक रुपीज़ की वैल्यू कम होती है, तो वो चैलेंजेस ऑटोमेटिकली हिट करते हैं इस इंडस्ट्री को। फोन प्राइसेस भी ऊपर जाती हैं, बाकी चैलेंजेस भी आते हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है दैट इज़ स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर नहीं है, तो इसमें टेफ्टा ने और कुछ इंस्टीट्यूशंस ने बड़ा रोल प्ले किया था। अभी उस तरह से वो उनका रोल भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वी नीड सम इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे हम ये लोगों को इनकी ट्रेनिंग्स कर सकें। कारपेंटर्स की पेंट अपहोस्ट्री सेक्शन है, और वहाँ पे एक डेवलप्ड लेबर जब निकलेगी ना तो वी कैन प्रोड्यूस वेरी क्वालिटी फाइन क्वालिटी फर्नीचर। और एक जो प्रॉब्लम हमारे इंडस्ट्री में अभी भी हमें फेस करना पड़ रहा है दैट इज़ वी आर नॉट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। हम एक्सपोर्ट्स की तरफ जा ही नहीं रहे। इंडस्ट्री वही फ्लरिश करती है जिसमें एक्सपोर्ट्स होती हैं। जब एक्सपोर्ट्स होती हैं तो डॉलर एक्चुअली आपके मुल्क में आ रहा होता है, आपकी कंट्री की इकोनॉमी भी बेहतर होती है। तो वी आर मोस्टली वर्किंग ऑन कि हम अपनी इंडस्ट्री को अब ये सिखाना शुरू करें कि आप सब कुछ मत बनाएं। अब यहाँ पे एक बंदा है वो कहता है मैं वार्डरोब भी बनाऊंगा, किचन भी बनाऊंगा, बेड भी बनाऊंगा, सोफ़ा भी बनाऊंगा। हम उन्हें कह रहे हैं आप एक अपना सेगमेंट लें और उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ को डेवलप करना शुरू करें। लाइक इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग सोफ़ा तो यू शुड बी अ सोफ़ा मैन्युफैक्चरर। आपके पास अगर 1,000 सोफ़ा का भी ऑर्डर आ जाए तो आप उस ऑर्डर को मीट कर सकें। तो दिस इज़ हाउ वी आर वर्किंग फॉर दिस इंडस्ट्री, एंड दिस इज़ हाउ देयर आर द चैलेंजेस जिनको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे भी जाते हैं, माई वाइफ इज़ विद मी, हम बहुत सारे गवर्नमेंट चैनल्स पे गए हैं जाके हमने इस इंडस्ट्री के लिए बात की है कि इस इंडस्ट्री को जो है वो कुछ ना कुछ लिवरेज और प्रिविलेजेस दी जाएँ ताकि ये इंडस्ट्री फर्दर इसको हम एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बना सकें। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। मैम क्वालिटी की अगर हम बात करें तो लाइफस्टाइल ग्रुप जो है ये किस तरह अपने प्रोडक्ट्स में खासतौर पर फर्नीचर में जो कि साल हर साल चलना होता है उसमें क्वालिटी को किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देता और मेंटेन रखता है? अच्छा अली, इसमें ये है कि हमने इवन सब कुछ बाहर से प्रोडक्ट्स ली जस्ट फॉर द स्टडी। हमने उसको ओपन किया, कुछ बेड्स थे, कुछ सोफ़ाज़ थे, डिफरेंट फर्नीचर आइटम्स थे। हमने ओपन करके एक तो पहले ये ऑप्ट आउट किया कि बाहर मार्केट में फर्नीचर में क्या यूज़ हो रहा है। उसमें कुछ पॉजिटिव भी था, कुछ नेगेटिव भी था। पॉजिटिव चीज़ों को हमने फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया, एंड हमने उसमें बेहतरीन जो है वो किस तरह से हम क्वालिटी ऐड ऑन कर सकते थे हमने वो की है। और फर्नीचर में देखिए बेसिकली क्या होता है, वुड होती है, फोम होता है। तो फोम वी आर यूजिंग ए क्लास क्वालिटी फोम। वुड हम जो है वो सीजनड वुड यूज़ करते हैं जिसको कि यू नो कोई वो टेढ़ी नहीं हो सकती, कीड़ा नहीं लग सकता। तो इसी तरह से हमने क्वालिटी में किसी एक आप समझ लें कि चीज़ के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इवन समटाइम्स हमारी लेबर हमें कह रही होती है कि ये जो आप यूज़ करें ये तो कोई भी नहीं यूज़ करता, तो हम अपने मार्जिन्स कम कर देते हैं। बट राइट नाउ हम क्वालिटी पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। सर मुझे ये बताइएगा कि लाइफस्टाइल ग्रुप के अंदर और कौन कौन सी कंपनीज आती हैं जो इससे रिलेटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देख रही हैं और डिफरेंट तौर पे काम कर रही हैं? अली एक्चुअली देर इज़ अ सेइंग एवरी ग्रेट बिजनेस इज़ बिल्ट ऑन फ्रेंडशिप। एक्चुअली ये जो लाइफस्टाइल हमने स्टार्ट किया था, मेरा जूनियर भी है,
मेरा रिलेटिव भी है, कज़न भी है, फ्रेंड भी है, दोस्त भी है, मैं उसके लिए मोहसिन भी हूँ. तो वी स्टार्टेड इट टुगेदर. इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ आवर पार्टनरशिप. तो इसके अंदर फिर हमने मल्टीपल कंपनी स्टार्ट की, जिसमें एक इवेंट मैनेजर हमारी कंपनी है, दैट इज़ अ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, जिसमें हम डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं. देन दिस इज़ द प्लेटफॉर्म पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो. फिर इसमें हमने फार्मेसी स्टार्ट की, वी हैव टू फार्मेसीज राइट नाउ इन लाहौर, दोज आर वर्किंग. अच्छा, वो फार्मेसीज का पर्पज़ पैसा कमाना नहीं है, वहाँ पे वी आर सपोर्टिंग जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते मेडिसिन को या चीज़ों को. दिस इज सॉर्ट ऑफ CSR. मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो प्लेटफॉर्म पे ये होती है कि जब हम एक एक्सपो ऑर्गेनाइज करते हैं तो मल्टीपल सेक्टर के लोग जो है ना, उनको एक रिजक मिलता है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है. फॉर एग्जांपल, एक एक्सपो दैट जनरेट्स बिजनेस फॉर द मार्केटिंग फर्म्स, दैट जनरेट बिजनेस फॉर फर्नीचर इंडस्ट्री, उनकी लेबर के लिए, लूडर्स के लिए, होटल्स के लिए, फूड के लिए. जिस शहर में हम जाते हैं तो एक फॉरन इमीडिएट एक बिजनेस एक्टिविटी जनरेट होती है. तो मुझे उसकी बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह ने हमें ये एक प्लेटफॉर्म दिया जिस पे हमने डे नाइट हमने उसको वर्कआउट किया. ठीक है, और देखें, आइडियाज़ तो सारे ही अच्छे होते हैं, बट आइडियाज़ को एक्चुअली आपने उनको रियलिटी में उनको लेके आना होता है, एंड यू हैव टू मेक देम रियल ऑन द ग्राउंड. तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ आइडियाज़ के हद तक काम नहीं किया, हमने उसको एग्जीक्यूशन, मेरे में जो अल्लाह ने एक सबसे अच्छी सलाहियत दी है कि आई एम वेरी गुड एग्जीक्यूटर. ठीक है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, अभी हमने 5 ब्रांड्स लॉन्च कर दिए, उसमें डिज़ाइनों, इंटीरियर्स एंड फर्नीचर्स है बाय ज़ारा फैसल, वो माई वाइफ इज़ लुकिंग आफ्टर, मैं इसको हर जगह पे गाइड करता हूँ. देन वी हैव लाइफस्टाइल फर्नीचर के नेम से ही हमने एक ब्रांड लॉन्च किया हुआ है. देन वी हैव 3 मोर ब्रांड्स, एक हैनीसन के नेम से है, देन देर इज़ आयशा फर्नीचर्स, एंड देन चैटल होम. ये 5 ब्रांड्स हमने लॉन्च किए हैं, और इसमें हम डिफरेंट सेगमेंट को हम कैटर कर रहे हैं, एलीट को भी, मिडिल क्लास को भी, लोअर क्लास को भी, विद देयर ऑप्टिमाइज्ड नीड्स, कि हम उनको बेस्ट पॉसिबल फर्नीचर किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं. मैम, अगर लाइफस्टाइल ग्रुप की हम बात करें तो इसने पाकिस्तान में फर्नीचर की इम्प्रूवमेंट में किस तरह से अपना रोल प्ले किया है? देखिए अली, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जब हमने अंडर 150 ब्रांड्स को इकट्ठा कर दिया तो एक कंपटीशन की, एक पॉजिटिव और हेल्दी कंपटीशन की जो एनवायरनमेंट रेज हुआ, तो लोगों ने देखा डिज़ाइंस जो है वो नए से नए मार्केट में आना स्टार्ट हो गए. क्वालिटी वाइज भी ऑफ कोर्स, जब इतना हैवी एक फुटफॉल आता है, लोग कंपेयर करते थे प्राइसेस वाइज, क्वालिटी वाइज, तो क्वालिटी भी लोगों ने इम्प्रूव करनी स्टार्ट कर दी. फिर साथ हमने खुद एक ऐसी टीम डेवलप की जिसने बाकायदा तौर पर एक चेक इन बैलेंस मेंटेन किया क्वालिटी वाइज, दे वर एक्सपर्ट, तो उन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस जो है उसको मेक श्योर किया. तो हमने डिज़ाइन वाइज, क्वालिटी वाइज, प्राइसेस वाइज, लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो ने जो है एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर दिया जिसमें ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एलिवेट भी हुई, और हमने भी एक ऐसी टीम जो है वो इंगेज कर दी जो कि फर्दर इसको चेक एंड बैलेंस भी करे. सर, मुझे ये बताइएगा कि आपको कैसा महसूस होता है जब आप घर से जाते हैं, आप दोनों एक साथ ही काम पर जाते हैं और काम से वापस आते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है कि आप इकट्ठे ही काम कर रहे हैं, क्या ऐसा साथ होते हैं? जी डेफिनेटली. देखें, सबसे अच्छा पार्टनर आपका आपका स्पाउस होता है, जो आपको अच्छे तरीके से समझ सकता है, आपको अंडरस्टैंड कर सकता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये 3 years के जर्नी में शी इज़ वर्किंग फ्रॉम लास्ट 3 years, तो मुझे कभी भी इनसे कोई शिकायत नहीं हुई, बल्कि मैं जो टास्क देता हूँ शी ऑलवेज़ फुलफिल द टास्क बिफोर टाइम एंड विद मोर डेडिकेशन एंड विद मोर एक्यूरेसी. तो इट्स वेरी, आई फील वेरी लविंग कि माई वाइफ इज़ वर्किंग विद मी, शी इज़ सपोर्टिंग इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. और मैं तो, बल्कि हम तो वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन के उस रोल पर वी आर वेरी वेरी मच कीन कि इसको होना चाहिए. और पाकिस्तान में देखें, हम चाइना की बात करें, यूरोप की बात करें, तो वुमेन्स आर वर्किंग विद देयर हस्बैंड. हम पाकिस्तान पीछे हैं, वो उसकी रीज़न ये है कि फ्यू ऑफ़ द पीपल हैव वेरी कंजर्वेटिव थिंकिंग. वो शायद ये सोचते हैं कि जी फीमेल बाहर जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं, पाकिस्तानी फीमेल्स आर वेरी लॉयल. ठीक है, दे कैन बी वेरी सपोर्टिव हैंड. और ये लाजमी नहीं है कि अगर एक बंदे की गैरत है, उसने अपनी वाइफ से पैसे नहीं लिए तो ना ले, कोई मसला नहीं. वो अपनी लिविंग को बेहतर कर सकती है, वो अपनी नीड्स को पूरा कर सकती है, वो अपने बच्चों की नीड्स को पूरा कर सकती है. तो ये इट्स नॉट ऑल अबाउट के वाइफ जो है सिर्फ वो जाएगी और वो पैसे ही कमाएगी, उसकी एक अपनी पर्सनल ग्रूमिंग भी है, उसकी अपनी ग्रोथ है, वो ग्रो करेगी. कल को देखें, उसने आपके बच्चों को लुक आफ्टर करना है,
a better woman can handle your kids far better than an uneducated or illiterate woman. तो इसीलिए हम कहते हैं कि पढ़ा लिखा माशा होना चाहिए. ठीक है, आज हम अपनी फीमेल्स को मोटिवेट करना शुरू करेंगे. मैं तो अभी भी इनको लास्ट वीक भी कह रहा था कि आप अब कुछ आर्किटेक्चर में या उसमें डिज़ाइन में यू शुड डू सम डिप्लोमास. तो मैं आज भी इनको इनक्रेज कर रहा हूँ कि आप अभी भी, वी हैव टू सन्स, तो मैं अभी भी इनको कहता हूँ कि कोई ऐसा मसला नहीं, वो निटिग्रिटी चीज़ें वी कैन सॉर्ट आउट, वी कैन हायर अ मेड, बट आप अपने करियर और प्रोफेशन और उसके ऊपर यू शुड बी मोर फोकस्ड कि आपने उसको किस तरह इन्हेंस करना है. मैम आपको कैसा लगता है, मतलब कि घर में भी बॉस और बाहर भी बॉस, तो वो कैसी फीलिंग आती है? क्या घर में भी ये पूछते हैं कि यार तुम्हें एक टास्क दिया हुआ था, वो आपने कब तक कंप्लीट करेंगे? क्योंकि आप कोई बहाना भी नहीं लगा सकते, कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं पेश कर सकते, तो क्या फीलिंग्स होती हैं? आई फील ग्रेट. और सेकेंडली ये कि ये माशाल्लाह बहुत सपोर्टिंग है. और समटाइम्स मैं कोई बात करती हूँ तो ये कहते हैं नो इट्स फैमिली टाइम और अभी हमें बिजनेस की बातें नहीं करनी है. और मुझे अली बहुत सपोर्ट मिली इनसे, बींग एज अ हस्बैंड ही इज़ द बेस्ट एवर हस्बैंड इन दिस वर्ल्ड आई विल से. और बाकी रही बात मुझे कैसा लगता है, आई फील वेरी वेरी ऑनर्ड एंड ग्रेट कि मैं बींग एज अ फीमेल भी और बींग एज अ, अब समझ लें कि फैसल के साथ उनकी सपोर्ट में मुझे मतलब बहुत एक सपोर्टिव है, मेरे लिए लर्निंग भी है. आई एम गेटिंग मल्टी डायरेक्शनल काइंड ऑफ लर्निंग एज वेल एज ग्रूमिंग. सर कासिम अली शाह फाउंडेशन के काम से आप वाकिफ़ हैं, उनके बारे में और उनके काम के बारे में आप क्या कहेंगे? जी कासिम अली शाह साहब से मेरी 3 या 4 इंटरेक्शन हो चुकी हैं. मैं ही इज़ अ मेंटर फॉर अस, ही इज़ अ मेंटर फॉर एंटायर पाकिस्तान, ही इज़ मेंटर फॉर एंटायर वर्ल्ड. उनकी बातें वो गिरे हुए इंसान को उठा के खड़ा कर सकती हैं. और देखें ही हैज़ वेरी बिग ड्रीम्स, तो देर इज़ अ सेइंग ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल एक्ट नाउ. तो कासिम अली शाह साहब शायद इसी फार्मूले पे काम कर रहे हैं कि उनके ख्वाब बहुत बड़े हैं और उन्होंने एक छोटे से उसको लेके चले थे एक पौधे को, जो आज एक बहुत बड़ा दरख्त बन चुका है और बहुत सारे लोगों ने वहाँ से लर्निंग की, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं उनकी वजह से, दे आर ऑन राइट पाथ. तो काउंसलिंग तो बहुत ज़रूरी है. पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में देर आर काउंसलर्स जो स्टूडेंट्स को, अनएम्प्लॉयड लोगों को काउंसलिंग कर रहे होते हैं. हमारे पाकिस्तान में कासिम अली शाह साहब जो हैं वो इस नीड को पूरा कर रहे हैं, इस काउंसलिंग वाली नीड को ही इज़ डूइंग इन अ वेरी वेल वे. तो वी आर ऑलवेज देयर. हम इस कॉज को भी सपोर्ट करते रहेंगे, इस फाउंडेशन को भी सपोर्ट करेंगे, जिस तरह से पॉसिबली हम कर सकें, वी आर ऑलवेज देयर. कासिम भाई बहुत आला ज़र्फ इंसान, माशाल्लाह एक एक लफ्ज़ जो उनके मुंह से निकलता है वो लोगों के लिए मरहम भी बनता है, दवा भी बनता है. हमारे वो मेंटोर हैं. इवन ख़ुद मैं जब कभी भी मुझे ज़रूरत होती है किसी गाइडेंस की, मैं कासिम भाई को सुनती हूँ. तो ही इज़ अ मैन जिनके लिए कहा जाता है कि सुराही सर नगू होके भरा करती है पैमाने. तो माशाल्लाह ही इज़ द वन जो कि पाकिस्तान का सरमाया है. हम सब उनके लिए दुआगो हैं और बहुत बड़ा काम वो हमारे मुल्क के लिए कर. बहुत बहुत शुक्रिया ज़ारा फैसल साहिबा एंड फैसल मोहसिन साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया. आपने टाइम निकाला और अपने ब्रांड और बिज़नेस के बारे में हमें बताया. नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके ब्रांड के बारे में, लाइफस्टाइल ग्रुप के बारे में और इसके अंडर जो जो चीज़ें आती हैं, जो जो कंपनीज़ आती हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा. अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.